नमस्कार, आज हम बात करेंगे ग्लूटेन की एलर्जी या फिर जिसको सीलिक डिसीज या सीलिक स्प्रू बोला जाता है, सामान्य तौर पर गेहूं की एलर्जी के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। कई लोग इसको ग्लूटेन फ्री आटे का उपयोग करके लगातार सिम्टोमेटिकली मैनेज करने का काम कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ग्लूटेन फ्री आटे आपको जगह जगह पर मिलना चालू हो गए हैं। यह समस्या क्यों होती है, इसके होने में पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कारण क्या क्या है इसके होने के, कौन से सिम्टम्स ये बीमारी देती है आपको, आपकी जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, पाचन तंत्र में क्या क्या नुकसान होते हैं, और पाचन तंत्र के अलावा जो एक्स्ट्रा जीआई जो सिम्टम्स हैं वो कौन से होते हैं, और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किन किन चीजों से आपको करनी पड़ेगी, और इस समस्या की डायग्नोसिस के लिए कौन से सीरोलॉजिकल टेस्ट आप करा सकते हैं, नेचुरोपैथी, योगा, डाइट थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस बीमारी को किस तरीके से ठीक करने में मदद करते हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और प्लीज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी भविष्य में वीडियोस बनाए जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, उस टॉपिक पर भी, उस विषय पर भी वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे सीलिएक डिसीज। सीलिएक डिसीज मतलब सिंपली अगर हम देखें कि ये जो बीमारी है इसको सीलिएक डिसीज या सीलिएक स्प्रू बोला जाता है। तो सीलिएक का मतलब क्या होता है, सीलिएक का मतलब होता है आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो, या फिर एब्डोमिनल कैविटी। तो सीलिक का मतलब होता है एक कैविटी, और यहां पर सीलिक डिसीज कहां पर हो रही है, एब्डोमिनल कैविटी में हो रही है। तो यहां सीलिक का मतलब होगा एब्डोमिनल कैविटी, और ये स्प्रू जो जोड़ा गया है सीलिक स्प्रू, तो स्प्रू का मतलब है एक ऐसी कंडीशन या ऐसी बीमारी या ऐसा डिसऑर्डर जिसमें आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में फेल होना जब चालू हो जाती है, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है कि आपके एब्डोमिनल कैविटी में आपका जीआई ट्रैक्ट है। बेसिकली जब ये जीआई ट्रैक्ट जो आप खा रहे हैं न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बंद कर दे, ऐसी कंडीशन को बोला जाता है सीलिएक स्प्रू। ठीक है, तो सीलिएक स्प्रू है ये। अब इस सीलिएक स्प्रू के होने में सबसे ज्यादा जो कॉजिटिव एजेंट का काम है, वैसे तो ये एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जिक कंडीशन मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें इम्यूनिटी आपकी काम में आती है, और IL-15 जो है, इंटरल्यूकिन 15 जो साइटोकाइंस हैं, ये जब आपके एंटरोसाइट्स में, एंटरोसाइट्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आंतों की दीवारें हैं, सामान्य तौर पर ये, जैसे ये हो गया आपका आहारनाल, आमाशय, और आमाशय के बाद इस तरीके से ये आएंगे आपकी छोटी आंतें, और छोटी आंत जो है इसमें जब आपका कोई भी ऐसा खाना जिसमें ग्लूटेन है, ग्लूटेन अगर होगा इसमें, तो ग्लूटेन का मतलब क्या होता है, ग्लूटेन एक सब्सटेंस है, बेसिकली एक प्रोटीन है जो आपके गेहूं में, जौ में, और गेहूं की एक प्रजाति होती है राई जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। और अगर वो ग्लूटेन जो है इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है ग्लाइडिन, तो ग्लाइडिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है उससे आपके एंटेरोसाइट्स को, एंटेरोसाइट्स मतलब ये जो आंत है, छोटी आंत अगर यहां से काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगी, चार लेयर से बनी होती है ये। अब इसमें जो इस तरीके के विलाइज होते हैं, ये विलाइज धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाते हैं, और अगर ये विलाइज खराब होना चालू होते हैं तो चूंकि इन्हीं विलाइज से एब्जॉर्प्शन होना चालू होता है, तो आपकी आंतों से एब्जॉर्प्शन की रेट जो है
वो कमजोर होना चालू हो जाती है। आपके जो भी आपने भोजन लिया है उसमें से पोषण एब्जॉर्ब होकर के आपके शरीर में लगना बंद हो जाता है। अब ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी, जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें ग्लूटेन है, अब ग्लूटेन किस किस में है, सामान्य तौर पर ग्लूटेन जो है गेहूं जौ इनमें है, अब इनसे बनी चीजें चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो या फिर जो वीट फ्लोर होता है अगर वो एयर में है, एयरबॉर्न वीट फ्लोर की एलर्जी भी होती है। कभी कभी ऐसा देखते हैं हम कहते हैं तो गेहूं खाया ही नहीं फिर भी हमको एलर्जी हो रही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आसपास से निकले और वहां पर वीट फ्लोर की एयरबॉर्न में अगर कहीं वीट फ्लोर थोड़ा बहुत भी है वो नाक से या मुंह से होते हुए आपके ट्रेकिया से होते हुए फेफड़ों में या फिर जो मुंह से होते हुए इसोफेगस से होते हुए स्टमक में होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो इंटेस्टाइन में पहुंचते ही क्योंकि लंग्स में पहुंचता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंग्स से अगर वो मान लो कफिंग रिफ्लेक्स के साथ गले में आया और गले से आपने फिर से निगल लिया उसको, जिस तरीके से डेंगू वायरस का होता है, तो उसी तरीके से आपका जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो फिर ये जो ग्लाइडिन प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन ये जो है ये जब एंटेरोसाइट्स पर पहुंचेगा तो एंटेरोसाइट्स पर पहुंच करके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन क्रिएट कराने का काम करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन अगर हो जाएगा तो ये इंफ्लेमेशन जो है ये विलाइस की एट्रोफी कॉज करने का काम करता है। अगर मान लो यहां से जैसे हमने या तो गेहूं का या जौ का कुछ खा दिया, या मान लीजिए जैसे सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया बियर पी थी, तो बियर तो बेसिकली जौ से ही बनती है, तो अगर जौ से बनी हुई कोई चीज या गेहूं से बनी हुई कोई चीज पास्ता खा लिया आपने डेफिनेटली प्रॉब्लम कर लेगा। मैदे से बना हुआ कुछ भी खाया, मैदा किससे बनती है, गेहूं के आटे से बनती है, तो डेफिनेटली आपको ग्लूटेन जिसमें भी पाया जाता है उसको आपको बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करने की आवश्यकता होगी फॉर टाइम बीइंग कुछ समय के लिए। और जब आप बिल्कुल ग्लूटेन नहीं लेंगे, जैसे धूल मिट्टी से किसी को एलर्जी होती है तो हमेशा के लिए तो धूल मिट्टी से दूर नहीं रह सकते, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट आपका चल रहा है कुछ समय के लिए आप एलर्जन से दूर रहेंगे, और दूर रह के आप अपने शरीर की तैयारी कर लेते हैं ताकि शरीर धीरे धीरे करके उस एलर्जन के लिए थोड़ा सा एक्टिव होना कंफर्टेबल होना चालू हो जाए। तो कुछ समय के बाद जब शरीर कंफर्टेबल होगा, शरीर की इम्यूनिटी एनहेंस हो जाएगी, तो फिर आप उस एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे भी और वो एलर्जन आपके शरीर पर नुकसान नहीं करेगा। ये समय आएगा, लेकिन आप आज ही पहुंच जाएं कि भाई एलर्जन आज हमने ये खा लिया, आज हमने ग्लूटेन बिल्कुल नहीं खाया, कल चलो हम चले जाते हैं देखो ठीक हो गए क्या, तो ऐसे देखने की स्थिति नहीं होती है, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सामान्य तौर पर ये जो ग्लूटेन की एलर्जी है, इस एलर्जी में दो तरीके के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। एक तो सिम्टम मिलेगा कि आपको ये जो सिम्टम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, बेसिकली मान लिया जाए गैस्ट्रो मतलब आमाशय, इंटेस्टिनल मतलब आपकी इंटेस्टाइन आंतों के हिसाब से इंटेस्टिनल एरिया में जो प्रॉब्लम होती है। अब सामान्य तौर पर जब भी ग्लूटेन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में टच करेगा हिट करेगा आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे, जैसे पेट फूलेगा, पेट में मरोड़े आ सकते हैं, मोशन लग सकता है बार बार, या फिर आपको पेट में एकदम से दर्द भी हो सकता है, और सूजन अगर रहेगी तो पेट में हमेशा भारीपन रहेगा, आंतों में सूजन रहेगी तो पेट हमेशा फूला फूला रहेगा, आपके पेट में हमेशा अफारा बना रहेगा, और अगर पेट फूला रहेगा तो सीने में भारीपन, पीठ में भारीपन, पीठ में दर्द, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स इनको बोला जाता है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स के अलावा, अदर देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जो भी इसमें आते हैं, कि इसके अलावा आपको क्या होगा कि जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एरिया में आपके में प्रॉब्लम हो गई, आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो था वो गड़बड़ हुआ, क्योंकि विलाइस की एट्रोफी होना चालू हो जाती है, विलाइस डिस्ट्रक्शन होना चालू हो जाता है, विलाइस जो है वो धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाते हैं क्योंकि एंटेरोसाइट्स पर प्रॉब्लम आई हुई थी। इस केस में फिर क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन रुकेगा, और अगर एब्जॉर्प्शन रुकेगा तो मल्टीपल डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आना चालू हो जाएंगे। अब इस केस में आयरन कम होगा, फेरेटिन लेवल कम होगा, फॉलेट चेक करना पड़ेगा आपको, आपको B12 चेक करना पड़ेगा, और मल्टीपल डेफिशिएंसीज की वजह से लगातार कमजोरियां बढ़ेंगी, मन में चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाएगा, एकदम टॉलरेंस कम होना चालू हो जाएगा, तो वो सारी चीजें आएंगी जो गैस्ट्राइटिस के केस में आती हैं।
ठीक है, लेकिन यहां गैस्ट्राइटिस तो बेसिकली नहीं, लेकिन गैस्ट्रो एंटेराइटिस हुआ है या एंटेराइटिस हुआ है, या फिर एंटेराइटिस भी क्यों हुआ है, क्योंकि आपके शरीर में जिस चीज से एलर्जी थी आपने वो ले लिया अंदर, वो आपने खा लिया, या फिर वो आपने नाक से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए फेफड़ों में, और फिर कफिंग रिफ्लेक्स के माध्यम से गले से होते हुए, आहार नाल से होते हुए आमाशय में पहुंचाया। आमाशय से जैसे ही वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचते ही यहां पर IL-15 जो होते हैं, इंटरल्यूकिन 15 साइटोकाइंस जो हैं, ये आपके इस एरिया में इंफ्लेमेशन कराना चालू कर देंगे, और जैसे ही एंटेराइटिस होगी, एंटेराइटिस से रिलेटेड सारे के सारे सिम्टम्स आपको आना चालू हो जाएंगे। एप्थस अल्सर पहला सिम्टम जो मुंह से ही चालू किया जाए, तो इस केस में जो अदर देन जीआई सिम्टम्स जो आते हैं, एक्स्ट्रा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जो आते हैं, वो एप्थस अल्सर आते हैं मुंह में, बिल्कुल सफेद सफेद छोटे छोटे से बारीक बारीक छाले से मुंह पूरा भरना चालू हो जाता है उससे कभी कभी, क्योंकि ये एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो रहा होता है, पहला केस। दूसरा होता है अनीमिया, अगर आपको होगा तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि खाना एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो उसके केस में आपको अनीमिया हो सकता है, कमजोरी लग सकती है, बेचैनी, घबराहट अनीमिया की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लग सकती है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम होती है वो होता है क्रोनिक हेडेक। क्रोनिक हेडेक का मतलब है सिर में हमेशा भारीपन रहेगा, सिर इतना तेज दर्द कर सकता है, सिर एकदम ऐसा लगेगा जैसे सिर भरा भरा सा है, भारी भारी सा है, आंखों में हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आंखों पर बहुत ज्यादा भार पड़ा हुआ है, तो ये जो है क्रॉनिक हेडेक के रूप में भी सिम्टम्स को प्रेजेंट करेगा आपकी बॉडी में। और इसके अलावा एक सिम्टम होता है जिसको डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस बोला जाता है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसमें आपके स्किन पर बहुत सारे रैशेस जैसा होना चालू होंगे, और हर्पेटिफॉर्मिस का मतलब होता है कि यहां पर आपके ऐसे छोटे छोटे ब्लिस्टर्स, छाले जैसा होना चालू हो जाएंगे स्किन पर, छोटे 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 छाले होंगे, और पानी फ्लूड फिल्ड रहेंगे वो, वैसी एलर्जी होना चालू हो जाती है, स्किन पर रैशेज आएंगे, खुजली होगी, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो आपके सीलेक डिसीज या सीलेक स्प्रू के केस में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपको और सिम्टम्स मिलेंगे उसमें B12 डेफिशिएंसी रहेगी, B12 की कमी रहेगी, B12 की अगर कमी रहेगी तो धीरे धीरे करके नर्व में नमनेस आना चालू हो जाएगी, या आपकी याददाश्त पर थोड़ा सा फर्क पड़ना चालू हो जाएगा, आपका मन हमेशा चिड़चिड़ा रहना चालू हो जाएगा, ये सिम्टम्स भी आपको B12 की कमी की वजह से मिल सकते हैं। बोन से रिलेटेड सिम्टम्स जो मिलेंगे वो बोन में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस मिल सकते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस अगर आपके आ रहे हैं उसका एक कारण सीलिक डिसीज भी हो सकता है। इसके अलावा एक सिम्टम जो आएगा वो होगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के केस में, मस्कुलर वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, एकदम आपका शरीर टूटा टूटा सा रहना चालू हो जाता है, और कभी कभी शरीर में मस्कुलर एक्सटेंसिव मस्कुलर वीकनेस के चलते आपको अटैक्सिक चेंजेस आना चालू हो सकते हैं, जो फेसिकुलेशंस होते हैं, जो आपके मसल में एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो होते हैं, एकदम झटके टाइप का आना, वो भी लगना चालू हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स के अलावा हैं, क्योंकि एलर्जी तो आपके इंटेस्टाइन में है तो आपके पेट में ही समस्या है, ऐसा नहीं है, जब खाना पचेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं, तो सिम्टम्स तो पूरे के पूरे शरीर में आ सकते हैं, होल बॉडी में आपके ये सिम्टम्स रिप्रेजेंट अपने आप को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर हमको इसकी करनी है सीलेक डिसीज की, सीलेक स्प्रू की, तो हमें किन किन चीजों को स्पेसिफिकली देखने की आवश्यकता होती है, तो क्रॉन्स डिसीज देखेंगे आप, साथ में आप IBS के सिम्टम्स भी देख सकते हैं। डिफरेंशियल आपको अगर इसको करना है कि सीलिक डिसीज है कि IBS है, तो IBS और सीलिक डिसीज के जो सिम्टम्स हैं वो मोर और लेस पैरेलली एक जैसे होने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहां थोड़ा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक जो काम है उसमें जो इन्फेक्शन है, जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, जैसे बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रही है, इस केस को भी डिफरेंशियली डायग्नोस करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपको सीलेक डिसीज को कंफर्म करना है तो। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो आप दो तरीके के सीरोलॉजिकल टेस्ट इसमें करा सकते हैं, एक तो है HLA,
जीनोटाइप करा सकते हैं आप, और एक होता है एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज जो हैं उसका टेस्ट आप कराओगे, उससे आपको यह पता लगेगा कि यह स्पेसिफिकली आपकी सीलिक कंडीशन है, सीलिक डिसीज की कंडीशन है, ग्लूटेन से एलर्जी है आपको, ये आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट आपको बता देंगे। इसके अलावा आपको अब देखना है कि इसका ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे। तो ट्रीटमेंट करने में सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है कंप्लीटली आप अवॉइड करिए जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, उन सारी चीजों को, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर अगर एयरबॉर्न है तो उनसे भी आपको बचने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि सामान्य तौर पर लोग गेहूं नहीं खाने को ही मान लेते हैं कि हम ग्लूटेन फ्री हो गए, लेकिन अगर लिक्विड के रूप में आपने कुछ खाया और उसमें थोड़ा सा गेहूं का कुछ भी था या जौ का कुछ भी था तो वो डेफिनेटली नुकसान करेगा। तो गेहूं या जौ से बनी हुई कोई भी चीज आपको बिल्कुल भी टच नहीं करनी है, इसका विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आप देखो कि जो भी डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं, इन सारे के सारे डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स को आपको मॉनिटर करने की जरूरत होगी, और अगर कहीं कुछ डेफिशिएंसीज ज्यादा हैं तो अकॉर्डिंगली आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें अगर आयरन डेफिनेटली ज्यादा कम आ रहा है तो आयरन रिच चीजें आप ज्यादा खाएंगे, अगर B12 की कमी आ रही है तो B12 जो अगर आप नेचुरली अवेल कर सकते हैं तो नेचुरली, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बाया जो दवाइयां होती हैं B12 सप्लीमेंट्स उनका यूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर जरूरत लगे फॉर टाइम बीइंग तो आप इंजेक्टेबल्स भी B12 के लिए उपयोग में ले सकते हैं। फॉलेट का है या फेरेटिन का है, इनकी कमी अगर आ रही है तो इनको आपको पहले मॉनिटर करना पड़ेगा, और मॉनिटर करने के बाद अकॉर्डिंगली इन कमियों को आपको पूरा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीजों को व्हाट टू अवॉइड, तो व्हाट टू अवॉइड में जितनी भी चीजें आपकी ग्लूटेन से रिच एनरिच्ड होती हैं उनसे आपको बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है। तो आप गेहूं या गेहूं से बनी हुई बिस्किट है, पास्ता है, मैदे से बना हुआ कुछ भी है, इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। जौ भी गेहूं का ही एक फैमिली का मेंबर है, तो जौ में भी ग्लूटेन होता है, तो आप जौ का उपयोग भी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लिक्विड के फॉर्म में अगर आप जैसे कभी बियर ले रहे हैं, बियर वगैरह लेते हैं, तो बियर आपको बिल्कुल भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बियर सब लोग जानते हैं जौ से ही बनती है। तो बार्ली से बना हुआ कुछ भी आप बिल्कुल छोड़ देंगे, वीट से बना हुआ कुछ भी छोड़ देंगे, ये आपके इस ट्रीटमेंट में कंपल्सरी रिक्वायरमेंट के केस में आता है। अब व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट में बहुत जरूरी होता है कि आप ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, सैलेड्स का उपयोग कर लीजिए, लेकिन आप सैलेड अगर खा रहे हैं तो खाने के साथ आपको सैलेड नहीं खाना होगा, आप कम से कम 1 घंटे पहले सैलेड खा लें, 1.5 घंटे पहले सैलेड खा लें, उसके बाद फिर आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आप राइस फ्लोर ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, राइस फ्लोर आप जो है वो चलेगा आपके लिए, सॉर्गम चलेगा आपके लिए, सॉर्गम बहुत अच्छी चीजें हैं, कॉर्न आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, कॉर्न चलेगा, और योगर्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप व्हाट टू टेक में इन सब चीजों की मात्रा आप ज्यादा ले सकते हैं, जिससे आपकी न्यूट्रिशनल जो सफिशियंसी बनी रहे, न्यूट्रिशनल डेफिसिट जो हो रहा है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाए। तो ये तो आपको कुछ लेना है। अब जो आपकी कंडीशन है उसके इसमें नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किस तरीके से काम करेगी, एक्सरसाइजेस किस तरीके से काम करेंगे, तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में आप पेट पर दिन में 2 बार 10-10 से 15-15 मिनट करके गीला कपड़ा रख सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहेगा। पेट पर मिट्टी की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ठंडे पानी में 15-20 मिनट एक बार में, अगर पॉसिबल हो जाए तो दिन में 2 बार बैठेंगे तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर जो इंफ्लेमेटरी साइन आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगे। एक्सरसाइजेस में आप टहलना 40 मिनट, टहलने के बाद में कुछ ऐसी आसनों की सीरीज है जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो योगा फॉर इंडाइजेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा एक पूरा वीडियो है, उसमें जो आसन की सीरीज है उसको देख करके अच्छे तरीके से समझ के उन आसनों का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम बहुत आवश्यक रहेगा, तो अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप नियमित रूप से करिए। खाने को बहुत चबा के खाना है, पानी का उपयोग खाने के तुरंत पहले तुरंत बाद नहीं करना है, और पूरे दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पी लेना चाहिए। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपको ग्लूटेन की एलर्जी में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।